मॉल ऑफ देहरादून तो नहीं घूमेंगे, जब अगली बार आएंगे तो मॉल ऑफ देहरादून भी देखेंगे। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं डेकैथलॉन शोरूम में, तो आज यहाँ तगड़ी शॉपिंग होने वाली है। ठंडे का मौसम तो अभी स्टार्ट होने को आया नहीं, लेकिन जैकेट भी यहाँ कंटिन्यू टकी रहती है, बहुत बढ़िया बढ़िया वाली। लेकिन प्राइस दिखाते हैं आपको। अमित भाई भी हमारे हैवी ड्राइवर हैं, लगातार दो दिनों से गाड़ी चला रहे हैं, तो अभी और नमक देख सकते हो ककड़ी पे किस प्रकार से लग रहा है हैवी। सामान की बात की जाए तो जो देहरादून के 10 मॉलों में मिलेगा वो सारा सामान यहाँ मिल जाएगा आपको, सारा एक ही मॉल में। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत करते हैं आप सभी का यूके विजय ब्लॉग में। मैं हूँ विजय नेगी और एक नए ब्लॉग की स्टार्टिंग आज देहरादून शहर के एक छोटे से कमरे से हो रही। जैन धर्मशाला में रुके थे हम, बढ़िया फैसिलिटी थी, बिल्कुल इसी वाले रूम मिल रखे थे 600 में, वो भी सस्ते में मिल रखा था, बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी थी जैन धर्मशाला में। तो आज की जो ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग होगी वो होगी हमारी देहरादून घूमने से स्टार्टिंग करेंगे। जैसे भी होगा सामान सामान देखते हैं, छोटा मोटा जो भी होगा। सबसे पहले नहाना धोना करते हैं अपना रेडी, और उसके बाद निकलने की करते हैं यहाँ से तैयारियाँ। तो चलिए जी, फिलहाल नहा धो के हम बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, और बाकी आज मिलने आ रखे देहरादून में मनोज भेड़े, शादी बरातों में इनको अधिकांश देखा होगा आपने हमारे साथ। चुके हैं और निकलने की तैयारी, चेकआउट करने की। सामान तो आज कुछ आया नहीं, अब देखते हैं। चेकआउट करने के बाद होटल के बिल्कुल बाहर पे हमारी बोलेरो खड़ी हो रखी थी, तो चलते हैं। और मनोज ठीक है मनोज? ओके। अरे फिलहाल हम पहुंच चुके हैं डेकैथलॉन शोरूम में, तो आज यहाँ तगड़ी शॉपिंग होने वाली है। कुछ सामान देख लेते हैं, यहाँ शॉपिंग होती नहीं होती, लेकिन सामान देख लेते हैं, कुछ बढ़िया लगेगा तो खरीदारी कर लेंगे। बाकी चलते हैं, दिखाते हैं आपको भी। वेलकम टू सज्जनपुर। ठंडे का मौसम तो अभी स्टार्ट होने को आया नहीं, लेकिन जैकेट भी यहाँ कंटिन्यू टकी रहती है, बहुत बढ़िया बढ़िया वाली। लेकिन प्राइस दिखाते हैं आपको। शॉपिंग करने के साथ साथ थोड़ा टाइम पास करने के लिए गेम भी है, और स्वेट भी देख सकते हो तुम। कौन सी, ये वाली? चलो अमित का हो गया और गोपाल का, इसके बाद मेरा। बॉडी बना दो है एक ही दिन में, ठीक है? ये लगे हैं डेकैथलॉन में और पार्क। चार आदमियों की शॉपिंग मात्र एक ही हो रखी है। यू मिस रहे भाई, यो नेवर जी। अरे बिल देखो यार अमित भाई, ये बिल दिखाओ यार एक बार, लंबा चौड़ा बिल विद जीएसटी। देहरादून से हमारा एग्जिट हो चुका है और फिलहाल हम पहुंच चुके हैं मॉल ऑफ देहरादून। तो नहीं घूमेंगे, जब अगली बार आएंगे तो मॉल ऑफ देहरादून भी देखेंगे एक बार। धीरे शहरों से निकल पड़े हम अपने पहाड़ों की ओर, और विश्वनाथ शिवालय के आगे से धूम धड़ाके से चल रहे हैं, बिल्कुल रोड पे दबा के।
घर से देहरादून और देहरादून से घर की ओर जाने में कहीं भी बारिश नहीं मिली। फिलहाल कुड़ियाला हम पहुंच चुके हैं, जाते टाइम भी यहां बारिश लगी थी और देखिए आते टाइम भी। चलिए जी, शहरों की भागती दौड़ती जिंदगी से हम धीरे धीरे अपने पहाड़ों की तरफ चल रहे हैं। जैसे ऊपर पहाड़ों को धीरे धीरे चल रहे हैं तो बढ़िया सा मौसम हो गया, हल्का फुल्का बारिश भी लगी है और फिलहाल बने रहे इस सफर में। अमित भाई भी हमारे हैवी ड्राइवर हैं, लगातार दो दिनों से गाड़ी चला रहे हैं तो अभी थोड़ा यहाँ पे गाड़ी के लिए रेस्ट हो जाएगा। और फाइनली होते करते तिंधारा हम पहुँच चुके हैं। कल तो यहाँ पे खाना खाने का टाइम नहीं मिला, आज जरूर खाना खा के जाएंगे यहाँ से तिंधारा से। चलो जी, तिंधारा में हम पहुँच चुके हैं और तिंधारा में ककड़ी नहीं खाई, वो भी गांव वाली तो क्या ही खाया। और साथ ही साथ नमक देख सकते हो, नमक सिलोटे में नमक पीसा जा रहा है यहाँ पे, शुद्ध घर वाला नमक। और नमक देख सकते हो ककड़ी पे किस प्रकार से लग रहा है जी, पर थोड़ा अलग भी ध्यान है भाई जी और कागज़ पर। तो श्रीनगर में हम पहुंच चुके हैं और श्रीनगर में भी एक मेगा मार्ट नाम से एक मॉल है, तो लास्ट में वहां चलते हैं और उसके बाद फाइनली वापसी कर्ण पे आते हो। श्रीनगर मेगा हाट में हम पहुंच चुके हैं फिलहाल, और देहरादून का जो मॉल था और जो श्रीनगर का मॉल है उसमें कम से कम जमीन आसमान का बिल्कुल अंतर देखने को मिल रहा है। चीज़ तो बहुत बढ़िया बढ़िया मिल रही है, देहरादून से बहुत अच्छा रेट पे और बहुत बढ़िया चीज़ें मिल जाएगी आपको यहाँ। टॉवल टॉल से लेकर कुछ भी घर का सामान से लेकर हर प्रकार का सामान आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। सामान की बात की जाए तो जो देहरादून के 10 मॉलों में मिलेगा वो सारा सामान यहाँ मिल जाएगा आपको, सारा एक ही मॉल में। तो फाइनली देहरादून से तो हमने की थी हल्की फुल्की शॉपिंग और यहाँ से गोपाल जी ने क्या लिया, अच्छा बिल और थोड़ा गाड़ी के लिए अमित भाई ने सीट सूट लिया यहाँ से। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ से। तो फाइनली दो दो मॉल में शॉपिंग करने के बाद फिलहाल हम कर्णप्रयाग के लिए प्रस्थान कर चुके हैं और रात के लगभग 8 बजने को आ चुके हैं। पूरे दो मॉल में घूमने में पूरा टाइम वेस्ट हो गया और साथ ही साथ रूम से भी हम थोड़ा लेट निकले थे, तो थोड़ा रात जरूर हो चुकी है कर्णप्रयाग पहुँचने में। सो गाइज, इस ब्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड आई होप वीडियो पसंद आई होगी आपको। वीडियो पसंद आए तो लाइक से रिकमेंड जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में।